हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे पारस टकराल ने जो फेक एलिगेशंस लगाए हैं स्नेहा ने उसका रिप्लाई दिया है। तो पहला एलिगेशन पारस का स्नेहा पे ये था कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती थी अपने बच्चे को क्योंकि उसका फिगर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, स्नेहा को प्रॉब्लम थी टीबी की इसलिए वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती थी, वो मेडिकेशंस पे थी और डॉक्टर ने ही उन्हें मना करा था ब्रेस्ट फीड कराने से अपने बच्चे को। और स्नेहा ने ये स्क्रीनशॉट देते हुए भी प्रूव कराया ये चीज़। तो ऐसे किसी भी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा फेक एलिगेशन ये था कि पारस ने बोला कि स्नेहा ने अपना चैनल हाइड कराया है, लेकिन वो चैनल परमानेंटली डिलीट हो गया, वो वापस नहीं आ सकता और स्नेहा ने ये स्क्रीनशॉट देकर भी प्रूफ किया है। और जो चैनल का एक्सेस था वो स्नेहा के पास था, वो भी बात झूठी थी। ये कॉल रिकॉर्डिंग में आप खुद सुनिए। अकाउंट चेंज कर रहा है ना, इसलिए चाहिए। नहीं भैया, अकाउंट चेंज नहीं, मुझे तो डर है, आपने बोला था ना डिलीट कर दूंगा, इसीलिए। ऐसे कैसे डिलीट कर दूंगा मैं? आपने ये बात कही है मुझे? मैंने उससे पहले मैंने एक बात ये भी कही थी कि भाई अगर आप कुछ। तो इस ऑडियो में पारस ने खुद बोला कि एक्सेस उन्हीं के पास है चैनल का और इसलिए स्नेहा का चैनल डिलीट किया ताकि वो अपनी बात ना रख पाए यूट्यूब पे। और स्नेहा को इतनी पागल नहीं है कि वो अपने चैनल को ही खुद डिलीट कर दे जिसमें उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। और स्नेहा ने किसी भी मेल एजेंसी को अप्रोच नहीं किया है फेक न्यूज़ डालने के लिए और ये सब। उन सब को जो स्क्रीनशॉट्स हैं उन सब पे ब्लर है, तो स्नेहा उनसे प्रूफ मांग रहे कि रियल प्रूफ दो। और स्नेहा ने ये भी बोला कि कोई बंदा कितनी फेक चीज़ें बना सकता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दिया। इस क्लिप को ध्यान से सुन मेरी बात, किसी भी चीज़ की जो भी स्क्रीनशॉट आपने ले रखे हैं स्क्रीनशॉट बता कितने फेक बनाओ मैं को। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में पारस खुद बोल रहे हैं कि वो कुछ भी फेक बना सकते हैं। और स्नेहा ने ये भी बोला कि ये जो परवरिश की बात कर रहे हैं इनकी परवरिश देख लो आप लोग, ये थप्पड़ मारते हैं लड़कियों को, ये लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि पारस खुद भी बोलते हैं कि उन्होंने स्नेहा को मारा है। और जो फ़ोन तोड़ने वाली बात थी उसमें पारस ने अपने सारे प्रूफ डिलीट करने थे इसलिए उसने फ़ोन तोड़ा था। और जो नेक्स्ट फेक एलिगेशन था वो था गोल्ड डिगर का। तो स्नेहा ने बोला कि गोल्ड डिगर तो पारस खुद है, कि सारा जो पैसा है वो पारस के पास है, सारे अकाउंट सब कुछ पारस के पास ही है स्नेहा का। इनफैक्ट स्नेहा के 4 साल की मेहनत मतलब कि उसका यूट्यूब चैनल भी उड़ा दिया उसने। तो गाइज़ आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।